रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे पद्मनी, ये है मेरा बहुत ही पुराना और बहुत अच्छा दोस्त जतिन। नमस्ते। और ये विकी का भी बहुत अच्छा दोस्त है, राइट? और जतिन, ये है पद्मनी। मैं और ये भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों एक ही साथ एक ही जगह पर काम करते हैं। ए, क्या सोच रहा है भाई? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। अरे हाँ, वो तू मुझे बताने वाला था विकी और उसकी वो बेवफा गर्लफ्रेंड के बारे में। क्या नाम है, क्या करती है, कहाँ रहती है, वगैरह वगैरह। हाँ समीर, वो ए यार, ये तू इसकी तरफ क्या देख? ये सब कुछ जानती है, मैंने इसे सब कुछ बता चुका हूँ। विकी के बारे में, उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। अब तू मुझे बता, क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है, क्या करती है, कुछ तो बता भाई। समीर, इस बारे में कभी फुर्सत में बातें करेंगे ना? इस वक्त मुझे ज़रूरी काम है, मैं चलूँ? एक मिनट, एक मिनट, जा तो रहे लेकिन हम लोग मिल कब रहे हैं? तुम्हारे पास टाइम कब रहता है? अरे यार, सही दोस्तों के लिए टाइम ही टाइम है। तू ऐसे कर कि मेरा ये कार्ड रख, जब भी तुझे फुर्सत मिले मुझसे मिलना। और हाँ, अगर तुम मिलने ना आ सके फोन जरूर कर दे, राइट? ठीक है, चलता हूँ। हाँ, फोन जरूर कर लो। ओके ओके ओके। समीर, हाँ, क्या नाम बताया? किसका? पद्मनी। हाँ मैं अलाइजा बोल रही हूँ। हाँ बोलो अलाइजा, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रही थी। बोलो क्या हुआ? किस्मत ने इस बार भी साथ नहीं दिया। इस बार भी तुम नाकामयाब रही और उसको जहरीली मिठाई नहीं खिला पाई, है ना? मैं क्या करती कौशल्या देवी, मैंने बहुत कोशिश करी मगर किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। साफ साफ बताओ क्या हुआ। मैं मिठाई का डब्बा लेकर वहां गई थी, मैंने शीतल को एक मनगढ़ंत कहानी भी बता दी कि ये भगवान का प्रसाद है, इसे खाकर ममता ठीक हो जाएगी, लेकिन लेकिन क्या, वो ऐन वक्त पर रोहन वहां आ गया और सब सब कुछ बिगाड़ दिया उसने। ममता वो मिठाई खाने जा ही रही थी कि उसने ममता के हाथ से मिठाई छीन ली। लेकिन रोहन ने ऐसा क्यों किया? हाँ, वो कहने लगा कि ममता का शुगर लेवल हाई है और डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी के समय उसे मीठा खाना अलाउड नहीं है। वो तो यहाँ तक ये भी कह रहा था कि वो मिठाई उसके लिए जहर के समान है। लेकिन तुमने बताया नहीं कि वो जहर नहीं है, वो भगवान का प्रसाद है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश करी, शीतल ने भी उससे कहा कि ये भगवान का प्रसाद है, इसे खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वो मानता ही नहीं। वो कहता है कि वो भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं कर रहा है, लेकिन वो ममता को मिठाई खाने नहीं दे सकता है क्योंकि मीठा खाना उसके लिए जहर समान है। कौशल्या देवी, कहीं रोहन को मुझ पर शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो अलीजा, मैंने बहुत मेहनत के बाद तुम्हें अलीजा से अंबिका बनाया है और इतनी अच्छी तरह से बनाया है कि किसी को नहीं शक होगा। देखो उस दिन मंदिर के पुजारी तक को शक नहीं हुआ, तो फिर रोहन को कैसे हो सकता है? हाँ, तुम ये वहम अपने दिमाग से निकालो और फिर अंबिका ममता को कभी भी नहीं मार सकती। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा है तो कोई ऐसी चाल चलो जिसमें हमें 100% कामयाबी मिले। मैं इस बार ऐसी चाल चलूंगी कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। बहुत खुशी है ना तुम्हें? पड़ गई कलेजे में ठंडक। मुना लोगों ने मेरा मजाक बना के रख दिया वहां पे, इतनी बेइज्जती हुई, जी कर रहा था रेस्टोरेंट से निकलकर भाग जाऊं मैं। मुकुल, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या कर दिया उसने? क्या किया उसने? अरे ये पूछो क्या नहीं किया उसने। मुना उस औरत ने जाके क्या किया क्या बताऊं? एक तो उसे किसी चीज की मैनर्स नहीं है और ऊपर से वेटर को ऐसे ऑर्डर दे रही थी जैसे उसके बाप का होटल हो और दहेज में दिया उसे।
तुम उसे कुछ समझाते क्यों नहीं, उसे कुछ सिखाते क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, मैंने स्कूल नहीं खोल रखा तमीज और तहजीब सिखाने का, उसे झगड़ने की जरूरत क्या थी? मोना, एक तो वो आदमी से लड़ बैठी और लड़े भी कैसे, जैसे तो मर्द आपस में लड़ते हैं। पूरे प्रेस्टीज का चकना चूर कर दिया उसने वहां पर, पता लोग इस तरह घूर रहे थे मुझे जैसे चिड़िया घर से भागा हो जानवर हूं मैं। मुखर प्लीज प्लीज स्कूल मैं उसे समझा दी, आइंदा वो ऐसी गलती नहीं करेगी। आइंदा से? और तुम समझती क्या हो, इसके बाद उसके साथ ही बाहर जाऊंगा। देखो मोना, एक बार मैंने रिस्क ले लिया है, दोबारा रिस्क नहीं ले सकता। और तुम भी कान खुलकर एक बात सुन लो, आज के बाद तुम कभी भी मुझे उस औरत के साथ बाहर जाने के लिए नहीं कहोगी। हमें क्लियर? मुकुल, मैंने जो दिल में ठान लिया है वो मैं पूरा करके ही रहूंगी, तुम्हें चंदा को अपनाना ही होगा। जो भी करना है जल्दी करो, हमेशा जल्दबाजी करने से हमारा हर काम बिगड़ गया है। रोहन के कारण हमारी हर चाल उल्टी पड़ गई है, अब उन चालों को हमें सीधा करना होगा। ठीक कहती हो तुम, लेकिन इस काम में ममता और रोहन को अलग किए बिना ममता को मारना मुश्किल होगा। हाँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस हालत में रोहन ममता को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उधर शीतल और महेंद्र वर्मा भी एक हो गए हैं, रोहन को भी मेरे खिलाफ उन लोगों ने भड़का दिया है। इस हालत में कोई मामूली सा दाव खेलकर मैं उन लोगों के दिल में तुम्हारे खिलाफ कोई शक नहीं पैदा करना चाहती। ये तो तुम्हारी बनाई हुई गुत्थी है, इसे तुम ही सुलझा सकती हो। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ, लेकिन एक बात और है, जो करना है मैं जल्दी करना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और वो बच्चा धरती पर आ जाए। देखो अलीजा, एक बात समझने की कोशिश करो, सिर्फ उस बच्चे को मारना मेरा मकसद नहीं है, महेंद्र वर्मा के वंश को जड़ से मिटाना मेरा मकसद है। बहुत जल्द तुम्हें मेरा अगला वार पता चलेगा। ठीक है, भाई साहब। हाँ जितनी, ये फाइल्स मैंने चेक कर लिए और साइन भी कर लिया है, ये ठीक है। और ये भाई साहब, इसमें सारा हिसाब दर्ज है, और इस हफ्ते आप जिन जिन लोगों से मिलने वाले हैं उनके अपॉइंटमेंट्स। हाँ ये सब तो ठीक है, लगता है जतिन तुम मेरे काम से अच्छे वाकिफ हो चुके हो और मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की जरूरत थी। I'm happy with you। जी धन्यवाद भाई। तुम भी तो बताओ, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है, खुश तो हो तुम? कैसी बात करें भाई साहब, मैं पूरी तरह खुश हूँ, बल्कि ये काम तो मेरे लिए वरदान की तरह है। वरना बीना के घर वालों ने तो मुझे उस वक्त नौकरी से निकाल दिया था जिस वक्त मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा था। छोड़ो सब फजूल बातें जतिन, जिंदगी में ऐसे हादसे होते रहते हैं। लेकिन भाई साहब, उन लोगों ने तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया था, और शायद ऐसा सलूक तो कोई अपने कुत्ते के साथ भी नहीं करेगा। जिनका काम मैंने पूरी वफादारी से अपनी जान की परवाह किए बगैर किया, उन लोगों ने कितनी बेशर्मी से मुझे नौकरी से निकाल दिया, जैसे जैसे मेरा उनसे कोई मतलब ही नहीं था। ये तो अच्छा हुआ भाई साहब कि मुझे आपकी नौकरी मिल गई, वरना मैं पूरी तरह टूट जाता। भगवान का शुक्र करो कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जतिन। एनीवे अब तो सब ठीक है, तुम खुश तो हो? हाँ भाई साहब खुश तो हूँ, लेकिन उनसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है। तुम्हारी खुशी उनसे देखी नहीं जाती, मतलब क्या तुम्हारा? भाई साहब, मेरा आपके यहाँ काम करना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए वो चौहान। चौहान क्या किया उसने? तुम कहते कि उन्हें क्या किया उसने? भाई साहब वो मुझे धमकी देने आया था। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मैंने आपके यहाँ आपके पर्सनल मैनेजर की नौकरी करके अच्छा नहीं किया, अगर मैंने ये नौकरी नहीं छोड़ी तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। चौहान, रस्सी जल गई मगर बल नहीं कहा, उस कमीने की इतनी हिम्मत के वो तुम्हें धमकी दे, और तुम सूरज भाव साहिब जोशी के आदमी होने के बावजूद धमकी सुनाए, थप्पड़ मारना चाहिए था उसे उधर। भाई साहब मैंने भी साफ साफ कह दिया कि अब चाहे जो भी हो मैं आपकी नौकरी नहीं छोड़ूंगा, उसे जो बन पड़े मेरा बिगाड़ ले। क्या बिगाड़ेगा वो तुम्हारा? भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, लेकिन ज्यादा भूखने वाले कुत्ते को भी गोली मार देनी चाहिए, उसे तो मैं देख लूंगा। हेलो, कौन बोल रहा है? आवाज नीची करो चौहान, तुम जानते हो मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं। ओ
सूरज बाबू, तुम वही सूरज हो ना जिसको ग्रहण लग चुका है? इस खुशफहमी में मत रहो वरना जलकर राख हो जाओगे। सूरज बाबू, चौहान वो चट्टान है जो हिल भी नहीं सकता, राख होना तो बहुत दूर की बात। तो इन बातों को मैं जंग का ऐलान समझू चौहान, क्योंकि तुमने मेरे आदमी को धमकी दी है कि अगर वो मेरे लिए काम करेगा तो तुम उसे बर्बाद कर दोगे? हाँ, मैंने बोला है, क्योंकि वो बीना मैडम की बात नहीं सुनता है। अगर उसकी चाहत पूरी नहीं हुई ना तो जतिन के बारे में हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। बीना पर तो हम कुछ लगाना पड़ेगा। सूरज बाबू, अब तो वो तुम्हारी पत्नी है मगर तुम उसको छू भी नहीं सकते हो। लेकिन चौहान, उसकी माँ को तो मैं अपने कब्जे में कर सकता हूँ। उसकी माँ की तड़प सुनकर बीना चीख उठेंगी और बीना की चीख सुनकर तुम मेरे सामने अपने सर झुका दोगे, समझे? अमीना कहीं कहा? मुकुल, अगर तुम चंदा को इसी तरह इग्नोर करते रहे तो मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगी। मोना, मैं तुम्हारे साथ बिना बच्चे के हंसी खुशी जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन ये टॉर्चर नहीं झेल सकता। इस जाहिल गवार को अब इस घर में एक मिनट के लिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ए, ए, मेरे को फिर जाहिल बुला रहे तू? क्या रे, बहुत बड़ा शाणा मानता है अपने आप को? अरे अगर तू होटल में अपन लोग के बीच में नहीं आता तो आज चप्पल टपका डालती मैं उसको। चंदा, तू किसकी बात कर रही है? अरे था एक ढक्कन, बहुत बड़ा भाई समझ रहा था अपन को। टपको और ये साला, मैं जानती हूँ उसे। एक बार थिएटर के बाहर उसके थोपड़े में ब्लेड मारी थी मैं, एक छोरी को लेके होटल में बैठे था, इसकी वजह से कल्टी खा गया। सुना तुमने? सुन लिया? ये ढंग है इसके बात करने का? मुना, लाख कोशिश करो तुम उसे कभी नहीं बदल सकती। हाँ हाँ, नहीं बदलेगी, ऐसे ही चलेगी, वो ऐसे ही चलेगी। चुप चुप हो जाओ तुम दोनों, अगर इसी तरह लड़ते रहे तो मेरी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होंगी। तो बोलना आपने, मैं इसको चले मेरे साथ। अरे बंद करो अपनी बाजारों बातें, मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। अपन कौन सी तेरी आदमी उतारेगी? ए चल चल चल, कल्टी खा। अरे शट अप, मुकुल चुप हो जा, बस बहुत हो गया। और तुम अंदर जा, अगर आज पड़ोसी वाले ने देख लिया तो क्या सोचेंगे? मुना, ये ढोल तुमने अपने गले में लटकाया है तो ये कैसे उम्मीद करती हो कि इसकी आवाज आसपास भी ना पहुंचे? हेलो। हेलो बीना मैडम, क्या बात है चौहान? तुम घबराए हुए क्यों हो? आपके कहने से मैंने जतिन को धमकी दे दी थी, शायद उसने सूरज को जाके बता दिया। सूरज ने हमको धमकी दे दी। क्या धमकी दी उसने तुम्हें? वो आपकी आपकी माँ को अगवा करने का प्लान बना रहा है। ये हिम्मत, तुम फिक्र मत करो, मैं सूरज को देख लूंगी। ठीक है मैडम। कहिए, किसे मिला है आपको? जतिन, जतिन है घर पे? जी हाँ, लेकिन आप कौन है? वो जतिन का दोस्त है ना समीर, मैं उन्हीं की दोस्त हूँ। अच्छा, बैठिए, मैं उन्हें मिला। अजी सुनते हैं? एक मिनट, कौन है? आपसे कोई मिलने आया। तुम? जतिन, मैं तुम्हारा घर ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गई। मुझे मालूम था तुम मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास जरूर आओगी। अच्छा हुआ तुम यहाँ तक आ गई, वरना मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ निकालता, क्योंकि मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी था। मैं इसलिए क्या मुंह लेकर आई हो तुम मेरे पास? तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे दोस्तों के जज्बात उनके उनकी जिंदगियों से खेलते हुए? मुझे कुछ सुनना नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने मेरे दोस्त विकी के साथ क्या सुलूक किया है। तुम्हारी वजह से आज वो कहीं का नहीं रहा। तुम्हारे प्यार ने उसे अंधा बना दिया था और तुम उसे खिलौना समझकर खेल रही थी। तुम्हारी बेवफाई ने उसे दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर दिया और उसके जख्म अभी भरे नहीं थे कि तुमने मेरे दूसरे दोस्त समीर पर डोरे डालने शुरू कर दिए। अरे उसकी अच्छी खासी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहती हो तुम? अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में तुमने समीर को क्यों फंसा रखा है? हाँ, याद रखो पद्मिनी, समीर मेरा दोस्त है और मैं उसका दुख देख नहीं सकता। ये तो विकी था जो तुम्हारी बेवफाई का दर्द सह गया, लेकिन समीर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे क्या मिलेगा तुम्हें उसके?
उसकी जिंदगी बर्बाद करके, हाँ चुप क्यों, कुछ कहती क्यों नहीं? और तुम क्या भी कह सकती हो, तुम्हारी जैसी लड़की को तो इस धरती पर रहने का कोई हक ही नहीं है। इतना याद रखना पद्मिनी कि जो लोग दूसरे के रास्ते में कांटे उगाते हैं ना, उन्हें कभी फूल नसीब नहीं होते। अपने नासों के हथियार से मुझ पर वार करने की कोशिश मत करो पद्मिनी। मैं इतना नादा नहीं हूं जो तुम्हारे इस नाटक से प्रभावित होकर तुम पर रहम करूं। इसका मतलब तुम्हें मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है? बिल्कुल नहीं। अरे बहुत देखिए मैंने तुम जैसी लड़कियां जो नौजवानों को अपने जाल में फांसती हैं और फिर उनसे दिल भर जाने के बाद ड्रेस की तरह बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं। मैं समीर को चाहती हूं, उसे उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूं। अच्छा यही डायलॉग तो तुमने विकी से भी कहा होगा ना? विकी के साथ मेरा क्या संबंध था ये मैं चाहकर भी नहीं बता सकती तुम्हें। एक भयानक ख्वाब की तरह भूल जाना चाहती हूँ उसे। जतिन, प्लीज तुम भी भूल जाओ कि मेरा विकी के साथ कभी भी कोई रिश्ता था। तुम सच्चाई पर इसलिए पर्दा डालकर रखना चाहती हो कि कहीं समीर को तुम्हारी हकीकत का पता न चल पाए और तुम उसके साथ भी वही करो जो तुमने पहले विकी के साथ किया था। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती जतिन। मैं समीर से बेहद प्यार करती हूँ और नहीं चाहती कि उसे मेरे अतीत के बारे में कुछ भी पता चले। अगर उसे पता चला तो वो शक से घिर जाएगा और वो सपने जो हमने मिलकर देखे हैं वो सब बिखर जाएंगे। उन सपनों का क्या भरोसा जो झूठ की बुनियाद पर रखे जाए? ये सपने झूठे नहीं है जतिन। मैं समीर को अपने दिल से चाहती हूँ। एक दूसरे को अपना हम सफर बनाना चाहते हैं हम। वो मुझसे भी ज्यादा सेंसिटिव है। छोटी सी बात उसकी रातों की नींद उड़ा लेती है। जतिन, प्लीज हमारे प्यार को इस तरह टूटने मत दो। हमारे प्यार की नाव अब तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो पार लगा दो, चाहो तो तूफान में धकेल दो।